2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां सीतापुर पहुंचे थे देखने के लिए, और ऐसे में बीपी गंगा संवाददाता पंकज सिंह गौड़ ने उन्होंने कई मुद्दों पर उनसे बातचीत की है। चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को उन्होंने सोची समझी रणनीति बताया, और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2024 में कांग्रेस यूपी की 80 सीटें जीतने वाली। नकुल दुबे, उनके दौरे लगातार जारी हैं, तीसरे दिन वो सीतापुर पहुंचे हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार तैयारियों में पूर्व से काफी बड़े पैमाने पर दिख रही है। क्या है कांग्रेस की स्ट्रेटजी, अकेले मैदान में आएगी या फिर गठबंधन की राजनीति करेगी? देखिए, चूंकि सारी जितनी भी शाखाएं आप देख रहे हैं जिनसे आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ही देन है या कांग्रेस पार्टी की शाखाएं हैं। तो अगर शाखाएं पुनः लौट करके कांग्रेस के उस पर बरगद के नीचे आती है, तो उसमें कोई आपत्ति वाली बात है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। इस वक्त हम लोगों की लड़ाई जो हो गई है, हम लोगों की लड़ाई छिड़ गई है देश बेचने वाले बनाम देश बचाने वाले। तो देश बेचने वाले कौन है मुझे गौड़ साहब बताने की आवश्यकता नहीं है, देश को बचाने वाले कौन है ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जब देश बेचने वालों के खिलाफ मुहिम चली है तो उसमें सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक साथ खड़ी हैं। पार्टियाँ क्या, एक एक जनमानस खड़ा हुआ है कि भैया हम अपने हिंदुस्तान को, अपनी माटी को, अपनी मातृभूमि को इस तरह से नहीं बेचने देंगे जिस तरह से बेचने का कार्य चल रहा है। और सबने ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि हर हाल में 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश और इस देश से निकालने का कार्य करेंगे। नकुल दुबे जी, कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी रहेगी या बहुजन समाज पार्टी रहेगी? देखिए, अब ये निर्णय जिन लोगों को लेना उन्हें छोड़ दीजिए। जहाँ तक हमारी, राठौर साहब की, उत्कर्ष जी की, जलीस भाई की और आपकी है, तो हम लोग ये लड़ाई लड़ें कि हम लोग सीतापुर में हर हाल में कांग्रेस पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके, जो सीतापुर की आंखों में आंसू हैं कि ना तो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन पा रही है, ना पर यहाँ पर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पा रहा है, ना पर यहाँ पर एक सरकारी डिग्री कॉलेज बन पा रहा है, अरे क्या बोलते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज बन, इंजीनियरिंग कॉलेज बन पा रहा है, ना यहाँ पर एक बड़ा कोई सरकारी उद्योग लग पा रहा हो जिससे हमारे नौजवानों के चेहरे पर चमक आवे। इसलिए हम लोग को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो 2019 में दुबे जी ने संकल्प लिया था वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो 2024 में कांग्रेस के बैनर तले उन्हीं संकल्प को दोहराते हुए उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ से कांग्रेस पार्टी का सांसद लाएंगे। दो चुनाव में आपके साथ नाउम्मीदी रही है, इस बार इन लोगों को ये साथ बना रहे, क्या करेंगे आप? देखें, ये जो लोग हैं ये मेरे साथ दिल का रिश्ता है इनका, कोई चुनावी रिश्ते से ये लोग नहीं आए हैं, राजनीति में 30 साल पुराने मेरे मित्र हैं और हम राजनीति में हैं तो ये मेरे साथ हैं। अब चुनाव लड़ें या न लड़ें, इनका साथ मेरे साथ रहता है, यही पर्याप्त है। अगर मौका मिला तो जो कशिश रह गई है आपके सांसद से चुनाव लड़ने की, मुकाबला करने की, वो आप पूरा करेंगे? सांसद नहीं रहेंगे इस बार, ये कशिश पूरी हो जाएगी। जो इतने दिन 20 साल से सीतापुर में जो ग्रहण लगा है सांसद का, विकास का, वो नहीं रहेगा, बदलाव होगा। राकेश राठौर लड़ेंगे? नहीं नहीं, ये बदलाव होगा, सांसद नहीं रहेगा, ये तय है कि सांसद कांग्रेस का इस बार चुन के आएगा। 30 लोकसभा क्षेत्र सीतापुर से कांग्रेस का सांसद चुन के आएगा। मान लीजिए गठबंधन में सीट दूसरे खाते में चली गई, वो अलग बात है, वो तो विषय अलग है, वो विषय अलग है, वो विषय अलग है, तो गठबंधन वाला जीतेगा। हम तो गठबंधन की मदद पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, ये जोड़ी जो पिछले चुनाव में भी दिखाई दी थी साथ में, फिर से एक बार ये जोड़ी इस उम्मीद के साथ खड़ी हो रही है कि अगला चुनाव इन्हें फतेह करना है लोकसभा का। अब देखना होगा कि अगले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल कांग्रेस चुनाव से पहले तैयारियों में जुटी हुई है जो बहुत कम देखने को मिलता था। इसका नतीजा कितना साथ देगा ये फिलहाल समय बताएगा। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।